बच्चों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में हौसला अफजाई बेहद जरूरी है। बरतानिया जैसे मुल्क में खेल के मैदान में आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं। बॉक्सिंग के खेल में पाकिस्तानी बॉक्सर्स की मकबूलियत ने एशियाई कम्युनिटी में ताइक्वांडो के खेल को भी मकबूल बना दिया है। ताइक्वांडो का खेल लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी मकबूल हो रहा है। ओलम की रिहायशी 12 साला आयरस इफ्तिखार ताइक्वांडो खेल में 2 कांसी जबकि 1 चांदी का तमगा जीत चुकी हैं और अब वो शेफील्ड में इस माह के आखिर में होने वाली चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने के लिए पुरअज़म हैं। आयरस जो कि चैडर्टन स्कूल की तालिबा हैं, चैंपियनशिप के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं और इस सिलसिले में अपनी ट्रेनर अरूज की शुक्रगुजार हैं। A1 से बातचीत में आयरस का कहना था कि ओलंपिक में बरतानिया की नुमाइंदगी करने का अज़म रखती हूँ। Many people have inspired me, especially the women in this field. As a girl myself, women are the biggest inspiration for me. For example, Jay Jones and Bianca Roxon, they're all really, really good and amazing people. And then my cousins have also done it, so a lot of people around me as well. But I've been in a few championships. My first championship was in Barnsley, and then it was in Scotland, and a few weeks ago I was in London. It's important for girls to be in the sport because of society nowadays. It's very important for women to be able to have confidence and take care of themselves in dangerous scenarios, especially in this society today. आयरस की वालदा भी खासी पुर उम्मीद हैं कि शेफील्ड में होने वाली चैंपियनशिप में आयरस सोने का तमगा जीतकर पाकिस्तानी कम्युनिटी का नाम रोशन करेगी। इनका मजीद कहना था कि वालदैन को तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी बच्चियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में ये बच्चियों के लिए अच्छा है कि सेल्फ़ डिफेंस के लिए, क्योंकि ये बाहर निकलती हैं, अकेली होती हैं, इनको जॉब करनी पड़ती है, इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को उसका साथ दें, उसको इस फील्ड में जाने दें। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें अपने सेल्फ के लिए ये अच्छा है। बरतानिया में मौजूद ऐसे बच्चे हमारी कम्यूनिटी के लिए फ़ख्र हैं। नवीद चौहान, A1 TV, ओल्डम।